रिजवान आउट हुआ, टांगे कांप गई हम लोगों की, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। और चलो यार ठीक है 160 रन का टारगेट दे दिया। और यूएसए की टीम जैसी आपने मतलब शर्म का मुकाम है यार, वो अपनी इज्जत नहीं, हमारी तो इज्जत रहने दो भाई, हमारी इतनी बेइज्जती होती है टीवी चैनल्स में, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया लोग गालियां दे देते, हमारा बुरा हाल कर देते हैं, अबे तुम लोग ये हो, अबे तुम लोग ये हो, इंडिया को ये बोलते हो, फलाने को ये बोलते हो, अपनी टीम तो देख लो क्या करते हो, इतने बुरे रिस्पॉन्स आते हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट्स हमें लोग देते हैं, और जरूर आज भी देंगे, मेरी इस वीडियो में जरूर आज भी देंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई चीज बुरी नहीं लगेगी, वो सही बोलते हैं कि तुम लोगों की टीम ही ऐसी है। कोई भी लोग मुझसे मिलते हैं, मैं आता हूँ ट्रांसमिशन के लिए, पूछते हैं कि यूएसए से जीत जाएंगे, तो मैं हंसता हूँ, मैंने कहा यार पाकिस्तान टीम का इतना भी स्टैंडर्ड नीचे नहीं गया, लेकिन वो लोग सही पूछते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक हार नहीं आ सकती पाकिस्तान की क्रिकेट में, ये दिन कभी भूला नहीं जाएगा पाकिस्तान की क्रिकेट में। पर आप वसीम भाई ये देखें, हमारे ओपनर कौन है T20 के, नहीं फखर बाबर रिजवान और बाबर जी सुपर ओवर में आई नहीं। ये दिस स्पीक्स वॉल्यूम, फखर ने क्यों नहीं फेस किया, फखर लेफ्ट हैंडर है। 25 करोड़ की जिल्लत का सबब बन गई आज, 25 करोड़ पाकिस्तान में घर घर में लोगों को पता है, जबकि पाकिस्तान में किसी को पता नहीं होना चाहिए था, लोग रात के इस पहर, जबकि इंडिया में 1:30 बज रहे, पाकिस्तान में 1 बज रहा है, सोने सो रहे होते, सुबह उठते लोग तो पता होता कि यार अमेरिका को मार दिया पाकिस्तान ने, मगर इनको मरवाने का शौक है, ये तो दुनिया की हर वो टीम ढूंढते हैं जो इनकी मारते पकड़ के, तो आज ये औकात नहीं होती हमारी कि अमेरिका में गए मेहमान बन के, मेहमानों ने कपड़े फाड़ दिए, अंडरवेयर उतारी, पूरे बल्ले डाल दिए इनके, बचा क्या है, क्या मैं सिलेक्शन कमेटी का पार्ट था, इसीलिए अब मैं क्या बोलूं, अब ये हाल देख लिया आपने, उस बेचारे से फील्डिंग भी नहीं करवाई, कीपिंग नहीं करवाई, तो फील्डिंग भी पूरे ओवर से नहीं करवाए, आप उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसके साथ पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये क्रिकेट के जो फैंस हैं इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप अपनी अना के लिए ना, अपना नाम बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाल हमें देखना पड़ा कि सुपर ओवर में भी यूएसए से नहीं हम जीत सके। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में यूएसए ने पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया है वो देख के तनवीर अहमद को रोना आ गया, और इसके साथ साथ जो मैच देख रहे थे पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कमरान अकमल, उनकी भी आंखें भर आई जब पाकिस्तान इतने बुरे तरीके से सुपर ओवर में मैच हार गया। सुपर ओवर में बात करूं तो बाबर और रिजवान की 4 हो गई, और उसके बाद उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया, और रही सही कसर फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने पूरी कर दी जब उन्होंने लिटरली सरेंडर कर दिया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी ने जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी थी वर्ल्ड कप से पहले, उसका असर हमें इस समय इस वर्ल्ड कप में देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर जो पाकिस्तान की हार हुई है, इसके ऊपर स्पेशली भारत के लोगों ने और जो पाकिस्तान की टीम के क्रिटिक है, जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान की टीम में सुधार की आवश्यकता है, जिन्हें लगता है कि बाबर आजम अच्छी कप्तानी नहीं करता, जिन्हें लगता है कि टीम मैनेजमेंट पारदर्शी नहीं है, जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान में और बहुत सारे टैलेंटेड खिलाड़ी है जिन्हें मौका नहीं दिया जा रहा, जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान की ये टीम निहायती इतनी बेइज्जती करवाई है, कसम से इतनी बेइज्जती करवाई है, अबे भाई छोड़ दो यार क्रिकेट, छोड़ दो, मत खेलो क्रिकेट, छोड़ो रहने दो क्रिकेट, आप लोगों के काम नहीं है, कुछ और काम करो, नौकरियां शौकरियां करो जाके, इतने पैसे क्रिकेट बोर्ड आप लोगों को दे रहा है, मजाक के लिए दे रहा है, मतलब बैटिंग इतनी गंदी, और शुक्र करो बाबर ने 44 रन कर दिए, जैसे तैसे भी किए, नहीं तो ये 160 रन का टारगेट ना होता, किसी ने कुछ नहीं किया, रिजवान आउट हुआ, टांगे कांप गई हम लोगों की, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा, और चलो यार ठीक है 160 रन का टारगेट दे दिया। और यूएसए की टीम जैसी आपने मतलब शर्म का मुकाम है यार, वो अपनी इज्जत नहीं, हमारी तो इज्जत रहने दो भाई, हमारी इतनी बेइज्जती होती है टीवी चैनल्स में, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया लोग गालियां दे देते, हमारा बुरा हाल कर देते हैं, अबे तुम लोग ये हो, अबे तुम लोग ये हो, इंडिया को ये बोलते हो, फलाने को ये बोलते हो, अपनी टीम तो देख लो क्या करते हो, इतने बुरे रिस्पॉन्स आते हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट्स हमें लोग देते, और जरूर आज भी देंगे, मेरी इस वीडियो में जरूर आज भी देंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे कोई चीज बुरी नहीं लगेगी, वो सही बोलते हैं कि तुम लोगों की टीम ही ऐसी है, मतलब यूएसए की थल्ले लगे हुए, पूरा मैच सुपर ओवर करवा दिया, 160 रन कर दिए थे, किधर है वो हमारी शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम शाह, तो मोहम्मद आमिर साहब बड़ा कोई चैंपियन हम वापस लेके आए, शदाब बिल्कुल फारिक, थका हुआ वो बॉलर है, किसी काम का वो बॉलर नहीं, हमारा पाकिस्तान की बैंड किसने बजाई, यूएसए ने बैंड बजाई, और वो अभी बचे हैं, उन्होंने अभी वो अभी मैं क्या बोलूं यार, अभी मेरे मुंह से मुझे लगता है वो गालियां वालियां ना निकल जाए कहीं, इतनी गंदी क्रिकेट खेली है यार, सुपर ओवर पे ले गए, सुपर ओवर, अब मुझे एक बात बताओ, बाबर आजम को सारे कहते हो कि जी कप्तान बुरा है, कप्तान बुरा है, तो क्या सुपर ओवर वो तो वर्ल्ड क्लास चैंपियन प्लेयर को उसने बॉलर को उसने बॉलिंग दी, मोहम्मद आमिर जिसको रिटायरमेंट से वापस दिलवाया लेके आए उसको दी, तो क्या उसने भी मोहम्मद आमिर ने बाबर ने बॉलिंग गलत करवाई आमिर से, वाइट ही किए जा रहा है, 3 वाइट उसने किए, एक वाइट पे 3 रन बने, एक पे 2 रन बने, एक ओवर पे 2 रन बने, 3 वाइट पे 7 रन दे दिए, हम 3 बॉल एक्स्ट्रा दे दिए उसको, 19 रन करवा दिए, वो तो भाई आपके चैंपियन का फायदा क्या, जो 4 ओवर थे वो बेहतर कर दिए, और जो सुपर ओवर दिया उसमें खराब करके चले गए सारा मैच,
क्या करोगे, ये वर्ल्ड कप खेलने आए, तुक्के में क्रिकेट खेलते हो यार, तुक्के में खेलते हो क्रिकेट। इससे बुरा दिन नहीं पाकिस्तान की क्रिकेट में हो सकता जो यूएसए ने कर दिया। सबसे ज्यादा जो इंसल्ट है ना पाकिस्तान की क्रिकेट की, जो सुपर ओवर में जाके हम लोग आ रहे हैं, इससे बड़ी इंसल्ट पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं हो सकती। और मैं कहता हूँ कमाल क्रिकेट खेली है यूएसए ने, लगा ही नहीं है कि वो 14वें-15वें नंबर की टीम है। पाकिस्तान को ऐसे जीतना चाहिए, ये वन साइडेड मैच हो कि करीब भी नहीं लगने देना चाहिए। यही एक चीज है जो पाकिस्तान यूएसए से जीत सकती है, बाकी चीजों में तो हम बहुत पीछे हैं। लेकिन वो भी एक चीज नहीं रहने दी, वो भी उनको जितवा दी है। आपने हाल देख लिया पाकिस्तान की क्रिकेट का, परफॉर्मेंस का देख लिया। आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर, आपकी बैटिंग लाइनअप, अभी कह रहे थे कि 200 करेंगे तो हम जीतेंगे, पहले 170 तक कर लो। ये कहने का मतलब है, जब हमारी सिलेक्शन हो रही थी ना न्यूजीलैंड टूर की, जब ये लड़के मना, ये जी CPL में बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, मैंने कहा यार CPL अभी वर्ल्ड कप बड़ा दूर है, अभी आप न्यूजीलैंड का टूर देखिए, इसमें अल्लाह करे परफॉर्म कर जाए फिर आप लेके जाए। नहीं जी, ये तो जाएंगे वर्ल्ड कप तक। मैंने कहा यार ये पाकिस्तान की टीम, आप कैसे ऐसे सोच सकते हो? मैं सिलेक्शन कमेटी का पार्ट था, लेकिन इसीलिए अब मैं क्या बोलूं। अब ये हाल देख लिया आपने, उस बेचारे से फील्डिंग भी नहीं करवाई, कीपिंग नहीं करवाई, तो फील्डिंग भी पूरे ओवर से नहीं करवाए। आप उस बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसके साथ पाकिस्तान के साथ ज्यादती कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये क्रिकेट के जो फैंस हैं इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं आप, अपनी अना के लिए ना, अपना नाम बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हाल हमें देखना पड़ा कि सुपर ओवर में भी यूएसए से नहीं हम जीत सके। आप वसीम भाई ये देखें, हमारे ओपनर कौन है T20 के? नहीं, फखर बाबर, रिजवान और बाबर सुपर ओवर में आई नहीं। ये दिस स्पीक्स वॉल्यूम। फखर ने क्यों नहीं फेस किया? फखर लेफ्ट हैंडर है, उसको ज्यादा अच्छी हिट लगती है। दूसरे ये बहुत सिंपल वर्ड्स, अमेरिका जीत का मुस्तहिक था, पाकिस्तान जीत नहीं था। दफन हो गई क्रिकेट, दफन हो गई पाकिस्तान की। सुन लो, तुम किंग कर लेगा, वो भी कर लेगा, बॉक्सिंग कर लेगा, कर लिया, कर दिया, हम सबको एक साथ कर रहा है वो 4-5 साल से। पहले कहा कि अपनी सलवार के नाड़े चेक किया करो, कभी भी किसी की पजामा देखकर अपनी सलवार का नाड़ा चेक किया करो कि तुम्हारी ना उधर जाए, उधर जाए तुम्हारी, पूरे अमेरिका ने देखा तुम्हारी सलवार फाड़ के गुदा के। इनके पास सलवार में नाड़ा नहीं होता, इनके पास रस्सी की सलवार है, पहले में तुमने टीम में डाल दी है, तुम्हारी रस्सी होती है, रस्सी वो खींच के बांधते हैं। ये निकला तुम्हारी तंबू को, तंबू में बंद करो, तंबोला बना दो, तंबू में बंद करो, कपड़े में घुमाओ और इनके लगाओ तेल वाला डंडा, सुस्त हो गई है, निहायती अनफिट है और इनमें स्किल का अभाव है। इन्हें खेलने के लिए जो जिगर चाहिए, जो इतनी प्रेशर हैंडलिंग चाहिए होती है, वो इन खिलाड़ियों में नहीं है। इसीलिए नए खिलाड़ियों की आवश्यकता है, जो ऐसे पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी हैं, या जो भारत में पाकिस्तान के कुछ शुभचिंतक हैं, जिन्हें लगता है कि एक अच्छा कंपटीशन देने वाला तो कंपटीटर होना ही चाहिए। और इसलिए बहुत सारे लोग, पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग और भारत के बहुत सारे लोग पाकिस्तान की टीम के ऊपर तनकीद करते हैं, उन्हें कई बार ट्रोल भी करते हैं, लेकिन उन्हें कई बार जब सुझाव देते हैं तो मानते नहीं है पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, उनके सुझाव भी नहीं माने जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के द्वारा, न ही पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में इस तरीके की बातें की जाती है। और रिजल्ट ये होता है कि पाकिस्तान की टीम यूएसए से बुरे तरीके से हार जाती है। अब जब इतना सब हुआ तो पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान की क्रिकेट में बदलाव चाहते थे, उन्होंने भारतीय लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान की टीम को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने जो ये हार मिली है, पाकिस्तान को जो यूएसए से जो ये हार मिली है, इसे पाकिस्तानी अब कई दिनों तक गले में लटकाए घूमेंगे इधर उधर। और जब सोशल मीडिया पे पाकिस्तानियों को ट्रोल किया जाएगा तो भी वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के जो पाकिस्तान के भूतपूर्व क्रिकेटर हैं तनवीर अहमद, उन्होंने कह दिया है कि मुझे भी कई बार ट्रोल किया जाता है कि तुम्हारी टीम ऐसी है, तुम्हारी टीम में ये कमियां वो कमियां हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं वो लोग। कुल मिला के पाकिस्तान की टीम के जो क्रिटिक हैं, सारे के सारे पाकिस्तान के क्रिटिक इस समय सही दिखाई दे रही हैं, और जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसकी धांधली इस समय बाहर आ रही है। जिस तरीके से सारी चीजें साइडलाइन करके पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लिया गया है, जिस तरीके से 2 नंबरी के साथ, सिफारिशों के साथ और पर्चीबाजी के साथ खिलाड़ियों को टीम में रखा गया है, जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम यूएसए के खिलाफ हारी है, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को अंदर तक झकझोर दिया है। और साथ में पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो करप्ट क्रिकेट क्लास है, उसे एक्सपोज कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान को बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा। साथ में जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं और जो पाकिस्तान का भला चाहते हैं, या फिर जो पाकिस्तानी क्रिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, जब वो पाकिस्तानी क्रिकेट को ट्रोल करते हैं, या जब लोग उनको ट्रोल करते हैं
पाकिस्तान की क्रिकेट का नाम लेके, तो फिर इसमें अब कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट ने शर्मसार कर दिया है पाकिस्तान को, और साथ में क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के जो क्रिकेट की इतनी लेगेसी, मैं कहूंगा कि ये बेहतरीन टीम तो नहीं है लेकिन अच्छी टीम है, कम से कम यूएसए से तो पुरानी टीम है, लेकिन जो इनकी लेगेसी है वो भी अब जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि यूएसए से जो हार मिली है ये कोई छोटी हार नहीं है, शर्मनाक हार है। यूएसए की शानदार शुरुआत है और पाकिस्तान के लिए जो शुरुआत हुई है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, कुल मिला के टीम का और नेशन का साथ में व्यूवर्स का जो मोराल है वो बिल्कुल ही डाउन चला गया है इस समय। इस पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा।